अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मज़े में होंगे। आज का व्लॉग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इफ्तार पार्टी का। इसमें होने वाली हैं इसकी कुछ तैयारियाँ और मैं आपके साथ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँगी, जिसको फॉलो करके आप अपनी इफ्तार पार्टी को बहुत ही खूबसूरत बना सकते हैं। तो सुबह टाइम पर मैंने यहाँ पर बनाए थे दाल के पराठे और इसकी रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पर मौजूद है। अगर आप देखना चाहें तो मैं इसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूँगी। अच्छा, यहाँ पर मैं कुछ क्लिप्स आपके साथ एक दिन पहले की भी शेयर कर रही हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैंने जो अचार गोश्त था मैंने एक दिन पहले ही बना के रख दिया था, तो यहाँ पर मैं इसको अच्छे तरीके से भून रही हूँ। अच्छा, जब भी आपके घर इफ्तार पार्टी हो तो सबसे पहले आप एक लिस्ट बना लें जिसमें वो सारी चीज़ें लिख लें कि आपने क्या क्या बनाना है। मेन्यू डिसाइड करना होता है, उसके बाद फिर आपको उसके मुताबिक ग्रोसरी करनी होती है। तो बस यही काम है जो पहले कर लेते हैं तो ईजी रहता है, तो फिर एंड टाइम पर आप पैनिक नहीं होते। अच्छा, इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ट्रिक भी शेयर करूंगी कि आपके पास अगर लिमिटेड स्पेस है तो आप कैसे अपनी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, हम लोगों ने क्या किया था कि मैंने और मेरी बेटियों ने अपनी अपनी जो डिशेस हैं वो डिवाइड कर ली थी, जो जो हमने बनाना था, और उसके हिसाब से फिर अपनी प्रिपरेशन हमने करना स्टार्ट कर दी थी। तो यहाँ पर मेरी जो छोटी बेटी है उसने रशियन सैलड रेडी करनी थी, तो वो यहाँ पर वेजिटेबल्स कट कर रही है, और ये बड़ी बेटी जो है वो पैटिस बनाने के लिए चिकन श्रेड कर रही है। ये देखिए, यहाँ पर चिकन पैटिस का जो चिकन का मिक्सचर है ये मैंने तकरीबन ऑलमोस्ट रेडी कर लिया है। ये बस अभी थोड़ा सा ठंडा होगा, तो फिर इसके अंदर मैं शिमला मिर्च डाल दूंगी और चीज़ डाल दूंगी, तो फिर मिक्सचर बिल्कुल रेडी हो जाएगा और कल रोज़ा खुलने से पहले इसको फटाफट पैटिस को हम रेडी कर लेंगे। जहाँ पर भी आपको इफ्तार पार्टी अरेंज करनी हो और जो डिशेज आपको सर्व करनी हो, आप पहले इसके एक दिन पहले सेटिंग कर लें ताकि फिर ईजी रहे, और आप जो अपनी डिशेज भी वहाँ पर सेट कर लें ताकि आपको बताओ कि एंड टाइम पर आपने क्या क्या चीज़ कहाँ रखनी है। वरना तो जब रोज़ा खुलने का टाइम होता है तो बहुत ही अफरा तफरी का आलम होता है। और यहाँ पर मैं आपको एक टिप दूंगी कि आप अगर आपकी जगह कम है, छोटी है, तो आप कैसे इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास सीढ़ी थी जो कि बेचारी पेंट से थोड़ी सी ख़राब भी हुई थी, जब हमारे घर में पेंट हुआ था तो इसके ऊपर कुछ छींटे भी पड़े थे, तो इसको मैंने अच्छी तरीके से साफ़ कर लिया है और इसके ऊपर मैं कुछ चीज़ें सर्व करूँगी। तो इसको हम थोड़ा सा डेकोरेट कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने फिटेड शीट ले ली है तो उसको मैंने इससे कवर कर दिया, और जो घर में कोई भी आपके पास फ्लावर हो आप उससे सेट कर सकते हैं। और ये हम लोग जो प्लेसमैट्स हैं वो रख कर देख रहे हैं कि कौन सा इसके ऊपर सेट लग रहा है। तो ये देखिए, ये हमने इसको डेकोरेट कर लिया है। अब इसको हम अपनी जगह पे एक साइड पे रख देंगे ताकि इसके अंदर हम लोग डिज़र्ट्स या कुछ भी इसमें आप प्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन हमारा प्लान है कि हम इसमें डिज़र्ट्स प्रेजेंट करेंगे। तो ये देखें, ये बाकी टेबल की भी हमने सेटिंग कर ली है कि कैसे कैसे चीज़ कहाँ कहाँ आएगी, ताकि बस जब इफ्तार का टाइम हो तो हम फटाफट इस चीज़ें इसके अंदर सर्व कर लें। इफ्तार पार्टी के दिन हमने सुबह 11 बजे से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। यहाँ पर पिज़्ज़े के लिए डो रेडी हो रही है। ये देखें, ये मेरी बेटी कपकेक्स बना रही है। ये माशाल्लाह हमारे घर के बहुत ही मशहूर कपकेक्स हैं और मेरी बेटी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बनाती है, तो इसकी रेसिपी मैं आपके साथ बहुत जल्द शेयर करूँगी। और यहाँ पर मेरी छोटी बेटी रशियन सैलड रेडी कर रही है, तो इसकी रेसिपी मैं आपके साथ बहुत जल्द शेयर करूँगी इंशाल्लाह अपने चैनल पर। देखिए, यहाँ पर मैं चॉकलेट ओरियो डेजर्ट बना रही हूँ, तो इसको बस अब मैं मिक्स करके ठंडा कर लूँगी और फिर इसको प्रेजेंट करेंगे, असेंबल करेंगे ग्लासेस में। यहाँ पर मेरी बेटी फ्रूट कैरमल बना रही है, तो ये बस रेडी होगा तो फिर इसको हम डायरेक्टली ग्लासेस में प्रेजेंट करेंगे। ये देखिए, यहाँ पर ये आखिरी मरहले पर है जो कैरमल फ्रूट कैरमल है। यहाँ पर मेरी बड़ी बेटी पिज़्ज़ा रेडी कर रही है, बस इसको अब हम चीज़ डालने के बाद बेक करेंगे। यहाँ पर दही भल्ले रेडी हो रहे हैं, इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर ऑलरेडी मौजूद है, मैं इसका लिंक ऊपर शेयर कर दूंगी अगर आप देखना चाहें तो। तकरीबन 4:30 बजे मैंने जितना भी फ्राई का काम था वो स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि ये जो कुछ चीज़ें ऐसी थी जैसे समोसे या रोल, तो उसको हल्की आग पर फ्राई करना होता है ताकि वो अच्छे तरीके से अंदर तक फ्राई हो जाए और क्रिस्पी बने। तकरीबन 5:45 पे हमारी सब चीज़ें रेडी थी और टेबल भी सेट हो गई थी। तो यहाँ ड्रिंक्स में मैंने दूध शरबत और फ्रूट स्लश रेडी किया था, बस इसके अंदर फ्रूट स्लश में एंड टाइम पर बस बॉटल ऐड करेंगे जब गेस्ट आएंगे और इफ्तार का टाइम होगा। तो ये है हमारे डिज़र्ट कॉर्नर का फाइनल लुक, और यहाँ पर जितने भी डिज़र्ट्स हैं ये यहाँ पर सर्व कर दिए थे, जिसमें कपकेक्स बनाए थे, फ्रूट कैरमल था, इसके बाद ये ओरियो चॉकलेट डिज़र्ट था और जलेबियाँ थीं।
तो यहाँ पर जनाब पकोड़े और नमक पारे हैं, दही भल्ले, फ्रेंच फ्राइज, चिकन फ्राइड सैंडविचेस, पिज़्ज़ा और यहाँ पर चाउमिन रोल्स हैं, 3 किस्म की इसमें चटनीज़ हैं और यहाँ पर चिकन पैटिस और यहाँ पर मिनी जिंगर बर्गर्स हैं, वहाँ पर समोसे हैं, पंजाबी समोसे, रशियन सैलड, फ्रूट चाट है और यहाँ पर गार्लिक ब्रेड है और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा फूड भी कट करके रख लिया था क्योंकि खाने के बाद ये अच्छा लगता है बहुत खाने में। इसके अलावा यहाँ पर मिनी कीमा समोसे थे और खजूरें थीं, सिंपल खजूरें भी थीं और ड्राई फ्रूट्स वाली खजूरें भी थी जो सबसे पहले हम लोगों ने सर्व की थी। और यहाँ पर पास्ता था। और ये लीजिए, गेस्ट सही टाइम पर पहुँच गए थे अल्हम्दुलिल्लाह। और ये तो मैं बताना भूल ही गई कि मैंने किसकी दावत की है, तो मेरे पेरेंट्स, मेरे बड़े भाई और मेरी सिस की फैमिली और देवर। एक्चुअली सिस्टर और देवर मेरा मैक और ससुराल दोनों ही हैं क्योंकि मेरी सिस्टर की शादी देवर से हुई हुई है, तो ये लोग सब दुबई से तशरीफ़ लाए हैं और फैमिली के साथ इफ्तार का तो अपना ही लुत्फ़ होता है। तो यहाँ पर अभी थोड़ा सा टाइम है इफ्तार में, तो हम यहाँ पर कैंडल जला रहे हैं। वैसे तो हर इफ्तार पार्टी का मेन्यू हर जगह सेम ही होता है, समोसे, पकोड़े, दही भल्ले, फ्रूट चाट वगैरह, लेकिन अगर आप उसको थोड़ा सा प्रेजेंटेबल बना दें तो वो अच्छा लगने लगता है। सब रोज़ा इफ्तार करने के लिए रेडी हैं और अपनी अपनी खजूरें पकड़ के बैठ गए हैं और आज हमारा रोज़ा 6:42 पे खुलना है, तो बस इसी इंतज़ार में कि जैसी अजान हो और हम अपना रोज़ा इफ्तार करें। वैसे इफ्तारी के बाद खाने की इतनी ज़्यादा गुंजाइश नहीं होती और अगर इतनी ज़्यादा वैरायटी हो तो फिर तो बिल्कुल नहीं खाया जाता, लेकिन इफ्तार पार्टी में खाना तो लाजम सर्व किया जाता है। लेकिन मेरा मशवरा है कि अगर आप खाना बनाएं तो बहुत ज़्यादा मत बनाएं, उसको कम क्वांटिटी में बनाएं। इफ्तार के बाद किसी ने भी खाना नहीं खाया क्योंकि जो भी चीज़ें बची हुई थी वही हम थोड़ी थोड़ी देर के बाद शिफ्ट लगाते रहे सुबह तक और सारी रात जागते रहे। तो यहाँ पर मैंने ये खाना सहूर में सर्व किया है, तो यहाँ पर अचार गोश्त और इसके साथ हुमस मैंने सर्व किया है। तो गाइज ये था आज का व्लॉग, प्लीज स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन अल्लाह हाफिज़।